एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, लाहौर। अब यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम लिख लेना है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल के बाद कॉमा आएगा, गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाद कॉमा आएगा और लाहौर के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। रिस्पेक्टेड मैडम और सर, अगर आपकी फ़ीमेल टीचर हैं तो मैडम लिखेंगे आप, और अगर मेल हैं तो सर लिखेंगे। इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम इल, अर्ज़ है कि मैं बीमार हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, मैं तेज़ बुखार में मुबतला हूँ। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, लिहाजा मैं स्कूल हाज़िर होने से कासिर हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, ब्राए मेहरबानी मुझे एक योम की रुखसत अनायत फरमाएं, यानी एक दिन की छुट्टी दे दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा, या मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। योर्स ओबीडियंटली कॉमा एक्स वाई जी क्लास। अब यहाँ एक्स वाई जी इसलिए लिखा जाता है कि हमने जब एग्ज़ाम में एप्लीकेशन लिखनी होती है तो हम अपना नाम मेंशन नहीं करते। वैसे अगर आपने अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है तो आप अपना नाम यहाँ मेंशन करेंगे और क्लास मेंशन करेंगे। ये एप्लीकेशन का कंप्लीट पैटर्न है, हर क्लास के स्टूडेंट्स इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जिन्हें इवन के नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स भी, जिन्हें एप्लीकेशन मुश्किल लगती है, ये बहुत इजी वर्डिंग में है, वो इसे याद कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट वो कुछ मार्क्स अच्छे गेन कर सकें।